गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज जो है मैं फिर से मैथ के कुछ दो पजल लेके आया हूँ। ठीक है, मैथमेटिकल पजल। आप लोग को क्या करना है, इन दोनों का आंसर देना है, कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो करते रहिए। ऐसे ही शानदार शानदार आपको मैथमेटिकल पजल मिलते रहेंगे और केमिस्ट्री के हर चैप्टर के धीरे धीरे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, तो घर बैठ के पढ़िए। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन पर्पज के लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री के वीडियोस को मेरे देखें, बहुत आसान तरीके से मैंने उनको समझाया है। और बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्ट के लिए ऐसे मैथमेटिकल पजल्स में आपसे पूछता रहूंगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्या कहते हैं बचपन में भी सुने होंगे। ठीक है, कंटेनर फिल करने वाला, 3 कंटेनर है, इस टाइप का। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है, आपके हिसाब से हो सकता है बहुत आसान हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं उसके आंकड़े चेंज किया हूँ और थोड़ा उसको टफ किया हूँ। अगर हो सके तो आप इसका आंसर दीजिएगा। आपके पास 3 कंटेनर्स हैं। ठीक है, एक कंटेनर है, कैपेसिटी है 19 लीटर की, इसकी कैपेसिटी क्या है 19 लीटर। एक कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी है आपकी 13 लीटर। और एक कंटेनर है, इसका कैपेसिटी है आपका है 7 लीटर। बोलिए क्या है, 7 लीटर। अच्छा, ये दो कंटेनर है, ये फिल है, ये फिल है, फुल है, ये भरे हुए हैं किसी लिक्विड से, किसी भी लिक्विड से, आप पानी भरो, दूध भरो, कुछ भी भर लो। ठीक है, ये दो कंटेनर फुल हैं और ये आपका एम्प्टी है। क्या है, बोलिए, एम्प्टी है। ये कंटेनर आपका क्या है, खाली है। और ये दो कंटेनर आपके क्या है, फुल हैं, और ये एक कंटेनर क्या है, खाली है। आपको केवल इन्हीं 3 कंटेनर्स का यूज करना है, केवल इन्हीं 3 कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है। और ऐसा करिए कि किसी एक कंटेनर में 10 लीटर लिक्विड आ जाए, 10 लीटर लिक्विड। अच्छा, इसमें 10 लीटर लिक्विड आएगा, नहीं, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक में आएगा, या तो इसमें 10 लीटर या तो इसमें 10 लीटर। अच्छा, किसी फोर्थ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने हैं और इस 3 कंटेनर को इस्तेमाल करना है। ये दोनों भरा हुआ है, ये खाली है, और किसी एक में 10 लीटर कर दो, इसमें कर नहीं पाओगे भाई, ये 7 लीटर का है, ये 13 है, इसमें 10 हो सकता है अगर 3 निकल जाए, और ये 19 है, इसमें 10 हो सकता है, लेकिन ये पूरा खाली है, ये पूरा खाली है और ये दोनों पूरा भरा है। कुछ भी कोशिश कर आपको किसी एक कंटेनर में 10 लीटर लिक्विड क्या करना है, भरना। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको कमेंट में स्टेप्स लिख के दिखाने होंगे कि कैसे आपने ये काम किया। ठीक है, और कैसे इस काम को आपने किया, कितने स्टेप में किया। ये नहीं कि आप अपने घर से दूसरा बर्तन लेके आए 10 लीटर वाला और 13 में से 10 लीटर निकाल के इसमें भर दिए, ना, केवल इन्हीं 3, इसको इसमें भरो, इसको इसमें भरो, इसको इसमें भरो, जो करना है करो। ठीक है, और करके इसमें कितना लीटर कर दो, 10 लीटर। ये आपका आज का था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए आपको आपके पास 3 कंजक्यूटिव नंबर्स हैं लगातार, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 98, 99, 100, कोई 3 लगातार नंबर्स हैं। अगर उन तीनों को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, कंजक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे एक नंबर है x, एक नंबर है y, एक नंबर है z, तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डॉट डॉट, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में एक बार डिवाइड करो x से, रिजल्ट में एक बार डिवाइड करो x से, क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट, कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। कोसेंट को समझते हैं, भागफल। जैसे 6 में 2 से डिवाइड किए तो कितना आएगा कोसेंट, 3, 2 × 3 = 6, 3, तो कोसेंट, कुछ कोसेंट आएगा, उसको नोट कर लो, कोसेंट 1, कोसेंट 1। फिर y से डिवाइड करो रिजल्ट में, कोसेंट आएगा कोसेंट 2। फिर z से डिवाइड करो रिजल्ट में, कोसेंट आएगा कोसेंट 3। जब तीनों कोसेंट को जोड़ो तो आंसर आए 74। बोले क्या है, 74। मतलब एक 3 लगातार नंबर्स हैं, कंजक्यूटिव नंबर्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में एक बार डिवाइड करो x से, उसका कोसेंट नोट कर लो, फिर एक बार डिवाइड करो y से, उसका कोसेंट नोट कर लो, फिर एक बार डिवाइड करो z से, उसका कोसेंट नोट कर लो, और तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 74। आपको निकालना है, फाइंड x, y एंड z, आपको पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी। तुक्का नहीं मारना है, बाय प्रोसीजर निकाल के बताइएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ठीक है, पहला क्या पूछा, कंटेनर फिल करने वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है कंटेनर फिल करने वाला, थोड़ा दिमाग लगाइएगा घर बैठ के, को ये नहीं कि उसको कहीं से खोज खा लीजिएगा गूगल से या मदद ले लीजिएगा, अपने दिमाग से करिएगा, उससे आपका ब्रेन थोड़ा क्या होगा, शार्प होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है आपका,
तो दो क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा, इन दोनों का आप जवाब खोजिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए।